वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना। क्या अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने करण जौहर की फिल्म सूर्यवंशी से दिखाया करण जौहर को बाहर का रास्ता? तो जानते हैं पूरी सच्चाई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड होने के बाद करण जौहर ने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद से ही करण जौहर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे। फैंस भी लगातार सोशल मीडिया पर करण को स्टार किड्स वगैरह का पक्ष लेने और नेपोटिज्म भाई भतीजावाद को लेकर खरी खोटी सुना रहे थे। इस बीच करण को लेकर खबरें आ रही हैं कि करण जौहर अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी के को प्रोड्यूसर के तौर पर हटाए जा रहे हैं। दरअसल ये सब एक ट्वीट के बाद हुआ था, जब डायरेक्टर के प्रोडक्शन हाउस को फिल्म से हटा दिया गया था। फिल्म के मुख्य एक्टर अक्षय कुमार और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने करण जौहर ने जो भी रकम फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए लगाई थी वो उन्हें लौटा दी गई है। कई लोग ये मानते हैं कि ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि फैंस करण जौहर के काम का बहिष्कार करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि ट्रेंड एनालिस्ट तरुण करण ने इसको महज अफवाह ही बताया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले अक्षय कुमार की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका था। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों की तरफ से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पहले फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखने के बाद फिल्म को टाल दिया गया था। लेकिन बीते दिनों ये फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। अब ये फिल्म इस साल क्रिसमस के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबर के चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।